तो यार वैसे ब्रोकोली एक वेजिटेबल है, ये तो हम सभी को पता है, और इसे कच्चा भी खाते हैं और किचन में पका के भी खाते हैं। और करीब 2000 साल पहले इटली में पहली बार इसे वेजिटेबल में रूप में खाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि कई लोगों का ये मानना है ब्रोकोली इज अ मैन मेड वेजिटेबल? तो 2000 साल पहले इसे कैसे बनाया गया था और क्यों इसे मैन मेड कहा जाता है, ये जानने के लिए आज का एपिसोड पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ब्रोकोली जो है ये पही है, यानी व्हील की तरह आविष्कार नहीं किया गया था और डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के आधार पर भी नहीं बने। जैसे हम सबको पता है कि जिराफ ने ऊपर की पत्तियों खाने के लिए अपना गर्दन ऊंचा करते थे और उसका गर्दन ऐसे ही लंबा हो गया। एक्चुअली ब्रोकोली मूल रूप से एक वाइल्ड प्लांट है जो ब्रासिका ओलेरासिया प्रजातियों का एक सदस्य है और कॉमन लैंग्वेज में इसे वाइल्ड कैबेज भी कहा जाता है। और ये वाइल्ड कैबेज में जो फूल होते हैं वो छोटी होती है और ईयर में सिर्फ दो बार होते हैं, लेकिन एक नियंत्रित एनवायरनमेंट में इसे कई बार रिप्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और रिप्रोड्यूस करने के दौरान कम वांछनीय उत्पादों को फेंक दिया जाता है और अधिक वांछनीय लक्षण वाले को फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्रॉसब्रीडिंग करने के बाद पूरी तरह से एक नई तरह की प्लांट उत्पादित होता है जिसे हम ब्रोकोली कहते हैं, और इसलिए हम ब्रोकोली को पूरी तरह से मैनमेड नहीं कह सकते, क्योंकि मैनमेड तभी कहा जा सकता जब इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाए। लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप के बिना इतना स्वादिष्ट ब्रोकोली कभी नहीं मिलते। और आपको एक छोटा सा जानकारी देता हूँ, ब्रोकोली जो है ये कैंसर को रोकने या उसकी प्रोग्रेशन को धीमा करने में मदद करता है। तो अगर आप ब्रोकोली नहीं खाते हैं तो आज से ब्रोकोली खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।